नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। हरिद्वार के राजपुर गांव में सड़क ना बनाने को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर पैदल चलकर नारेबाजी की और इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर एक महीने के अंदर सड़क नहीं बना तो हम विधानसभा विधायक के कार्यालय पर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें, मामला हरिद्वार जिले के गढ़मीरपुर राजपुर गांव का है, जहां कई सालों से गढ़मीरपुर को हाईवे से जोड़ने वाली सड़क खस्ताहाल हो रखी है, लेकिन इस पर शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। आए दिन सड़कों पर बड़े गड्ढे होने के कारण दुर्घटना होती रहती है। उसी को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर पैदल चलते हुए नारेबाजी की। वहीं प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस महबूब आलम का कहना है कि लगातार इस सड़क को बनवाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस पर शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। उसी को लेकर हमने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सड़क बनाने को लेकर एक आवाज उठाई है। अगर ये सड़क एक महीने के अंदर नहीं बनाई गई तो हम ज्वालापुर विधानसभा विधायक सुरेंद्र राठौर के कार्यालय पर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर तब भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम अपनी बात को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। वही महबूब आलम का कहना है कि इस विषय में एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। वही जिला सचिव कांग्रेस अर्जुन करमवाल का कहना है कि जल्द ही अगर हाईवे से हमारे गांव को जोड़ने वाली सड़क नहीं बनाई गई तो यूथ कांग्रेस सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा प्रदर्शन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। जी नाम क्या है? मेरा नाम है मुन्ना भाई बरेली वाले। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है, मेरा मकरपुर में रोड के किनारे ही मकान है और उधर चारों तरफ मकान के आगे पीछे सब पानी भरा हुआ है बुरी तरीके से। वार्ड नंबर 9 है और यहाँ पे आने जाने में काफ़ी टाइम से मुझे दिक्कत हो रही है और इसके लिए मैंने सब जगह कंप्लेने की मगर अभी तक इसका कोई रास्ता नहीं निकला है। और चेयरमैन साहब से भी मैंने कहा, उन्होंने भी कुछ नहीं अभी तक किया है और सभासद से भी कह दिया है और ये सब परेशानी है। और मेरा मकान चारों तरफ से पूरा ही पानी के अंदर घिरा हुआ है बुरी तरीके से और आने जाने में बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत, डेंगू की बीमारी का खतरा है। और मैं पिरान कलियर मुकरपुर वार्ड 9 से हूँ। क्या समस्या है आपकी? ये यहाँ वार्ड 9 में जो है साल भर से पानी की बहुत दिक्कत है, पानी भरा हुआ है, जल प्रभाव है, बिल्कुल भी निकासी नहीं है कहीं से कहीं तक की। इसमें हमने पिरान कलियर नगर पंचायत चेयरमैन को भी अवगत करा रखा है, इसमें हमने सभासद दिलशाद को भी अवगत करा रखा है, कोई किसी भी तरीके से कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। एक साल हो गई पानी की दिक्कत हो, घर के चारों तरफ पानी है, कोई लोग नहीं निकल पा रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने से परेशान हैं, बच्चे मंदिर से जाने से भी परेशान हैं और इसमें जो है डेंगू की भी बीमारी है, डेंगू का खतरा है, कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि चेयरमैन साहब से इस पर थोड़ा ध्यान दें। जी मेरा नाम दिलशाद है, वार्ड संख्या 9 नगर पंचायत पुरान। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे जो जल भराव की समस्या है सड़कों पर, उन्होंने मतलब उस समस्या को लेकर आपसे गुहार लगाई है और आगे भी उन्होंने जो है इस समस्या के बारे में, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, जो है ना ये सड़क जो वार्ड संख्या 9 में आती है और इस सड़क के लिए विधायक जी को भी बोला, विधायक जी ने कहा कि ये सड़क जो है ना PWD से सैंक्शन है और बहुत जल्दी बनने वाली है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि पानी की निकासी नहीं हो पाती। पानी की निकासी ना होने के कारण ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, स्कूल के बच्चों तक को सामना करना पड़ता है। वजह क्या है कि यहाँ के जो निवासी है, यहाँ के जो रहने वाले हैं, उनकी खुद की ज़मीनें हैं जिसकी वजह से नाले का प्रबंध नहीं हो पा रहा। नगर पंचायत भी कराना चाहती है लेकिन समस्या सबसे बड़ी यही है कि ये नाला अपनी भूमि होने के कारण नहीं हो पा रहा। लेखपाल जी को भी अवगत कराया और DM साहब को भी मैंने खुद लेटर दिया था लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ग्रामीण परेशान है। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर।
कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करें विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126, संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।